हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीति नर्सिंग सेंटर। आज हम जीएनएम सेकेंड ईयर मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स के साथ, जैसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब उस सिचुएशन से है जब अगर कोई व्यक्ति हमें दिखते हैं जिन्हें बहुत छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम हो भी ना, और तब भी उन्हें लगे कि उन्हें शारीरिक तौर पर बहुत बड़ी कोई बीमारी है। मतलब कि स्वास्थ्य को लेकर अगर वो बहुत ओवर चिंतित हो, मतलब छोटी सी एक दर्द या छोटे से एक जैसे एक दाना आ जाए, एक पिंपल आ जाए और उसके ऊपर एक रैशेज हो, या कोई भी एक छोटी सी छोटी बातें कहीं पर भी दर्द हो या कलरेशन डिफरेंट हो, और उसको वो समझ ले कि उन्हें कोई बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है, इस तरीके की जो एक थिंकिंग आ जाती है, एक फेज आ जाती है, उसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज़्यादा चिंतित होना। ओके, तो नेक्स्ट है साइकाइट्रिक नर्सिंग। साइकाइट्रिक नर्सिंग नर्सिंग का वो एक विभाग है जहाँ पे ऐसे लोगों को हम नर्सिंग केयर देते हैं जिन्हें मानसिक तौर पर और ज़्यादा स्वास्थ्य बनाना है। अगर कोई मानसिक परेशानियाँ हैं तो उसे डायग्नोसिस करना है, उसे ट्रीट करने में मदद करना है, उन्हें वापस ज़िंदगी में एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए मदद करना है। इन सभी क्षेत्रों में जो नर्सिंग केयर दी जाती है उसे हम साइकाइट्रिक नर्सिंग कहते हैं, और जो प्रोफेशनल व्यक्ति साइकाइट्रिक नर्सिंग देते हैं उन्हें हम साइकाइट्रिक नर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के साथ कोशिश की गई है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझाया जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और नीचे दिए गए रेड बटन को हिट करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।